एमवी सोसाइटी घर में डकैती मजाहमत पर खातून कत्ल। वारदात में घरेलू मुलाजमा और उसका भांजा मुलव्वस है। 70 साल सफिया बीबी को सर पर भारी चीज मारकर कत्ल किया गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने जाय वकूआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। यूसी चेयरमैन का करायादारों पर मुबैना तशद्दुद, मुतासरीन का रायवंड रोड को ब्लॉक करके एहतजाज। यूसी चेयरमैन ने घर में घुसकर मारपीट की, मुजाहरीन का इल्जाम। नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसुम नवाज 68 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। कुलसुम नवाज तवील अरसे से कैंसर के मर्ज में लंदन के अस्पताल में जेर इलाज थी। गुज़श्ता रात तबीयत खराब होने पर वेंटिलेटर पर रखा गया था। बेगम कुलसुम नवाज की मैयत लाहौर लाई जाएगी, तदफीन जाती उम्रा में होगी। शहबाज शरीफ जज्बे खाकी लेने के लिए बरतानिया जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने 3 रोज के लिए तमाम सियासी सरगर्मियां मनसूख कर दी। वजीर आजम की मैयत लाने के लिए बरतानवी हाई कमीशन को तावुन की हदायत। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को जमानत पर रिहा किया जाएगा। खानदान का कोई भी फर्द जब दरखास्त देगा फौरी अमल हो जाएगा। महकमा दाखिला पंजाब, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कॉन्फ्रेंस रूम में मुंतकिल कर दिया गया। आई जी जेल खाना जात। जरा आंखें खोलो कुलसुम, बाबू जी, कुलसुम बाबू जी। बेगम कुलसुम नवाज 1950 में लाहौर में पैदा हुई। बेगम कुलसुम नवाज का पाकिस्तानी सियासत में अहम किरदार रहा। बेगम कुलसुम नवाज 3 बार खातून अव्वल पाकिस्तान बनी। 1999 से 2002 तक मुस्लिम लीग नून की सदर रही। सूबाई और कौमी असेंबली की रुकन भी मुंतखब हुई। शहबाज शरीफ का अपनी भाभी की वफात पर गहरे दुख का इजहार। सदर मुस्लिम लीग नून बोले, कुलसुम नवाज की वफात से एक अहद का खात्मा हो गया। नून लीग और जमहूरियत कुलसुम नवाज की कर्जदार रहेगी। पहली दस्तियाब फ्लाइट से लंदन जाऊंगा। वजीर आजम और आर्मी चीफ का बेगम कुलसुम नवाज के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वजीर आला पंजाब और सूबाई वजरा की गमजदा खानदान से दिली हमदर्दी। आसिफ अली जरदारी समेत दीगर अहम सियासी शख्सियात का भी दुख का इजहार। वकला बरादरी भी शरीफ खानदान के गम में शरीक। बेगम कुलसुम नवाज की वफात पर कारकुनों की आंखें नम। जाती उम्रा मॉडल टाउन नसीराबाद दफ्तर में सौ की फजा। उज्मा बुखारी आपदीदा हो गई। तहमीना दौलताना भी गम से निढाल। किरण डार की आंखों में भी आंसू। अपनी लीडर को याद करके रोती रही। बहुत बहुत नफीस खातून थी। मैंने अपनी जिंदगी में शायद इतनी कम्प्लीट नफीस खातून नहीं देखी। अगर घरेलू ज़िंदगी में देखें तो एक बहुत परफेक्ट ख़ानदानी खातून थी, और अगर सियासत में देखा जाए तो जब ज़रूरत पड़ी इस मुल्क की जमहूरियत के लिए, इसके लिए वो खड़ी हुई।
बेगम कुलसुम नवाज की तदफीन जाती उम्र में होगी, हसन और हुसैन नवाज की वापसी का फैसला वो खुद करेंगे। राना सनाउल्ला, कुलसुम नवाज ने हर मुश्किल वक्त में पार्टी की कयादत संभाली, कुलसुम नवाज की सियासी बसीरत लायक तहसीन है। परवेज मलिक, कुलसुम नवाज की बीमारी को ड्रामा कहने वालों को अब शर्म आनी चाहिए, नून लीग का हर कारकुन इस वक्त सदमे से दो चार है। ख्वाजा इमरान नजीर, लीगी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी पर ऑपोजिशन का नजर रखने का फैसला, टास्क अहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान और साद रफी के सपुर्द, पहले 100 दिन की कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर शाया किया जाएगा, ऑपोजिशन तेल बिजली डैम और खारजा सतह पर रिकॉर्ड पेश करेगी। पंजाब असेंबली का पहला वर्किंग इजलास 26 सितंबर को तलब किए जाने का इम्कान, हुकूमत रवा माली साल के 8 माह के लिए अपने अखराजात का बजट तखमीना मंजूरी के लिए पेश करेगी। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही करेंगे। आईजी पंजाब मोहम्मद ताहिर ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया, पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मोहम्मद ताहिर कहते हैं पंजाब में जराइम दीगर सूबों से ज्यादा हैं, पुलिस को सियासी दबाव के बगैर मेरिट पर इंसाफ दिलवाना होगा। केपीके की तरह पंजाब में भी पुलिस अब आजाद फैसले करेगी, पुलिस अफसरान की तब्दीली का फैसला मुहर्रम के बाद होगा। पुलिस के काम में कोई मुदाखलत नहीं कर सकेगा, मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार और अवामी पुलिस बनाएंगे। वजीर आला पंजाब की सदारत में पुलिस रिफॉर्म्स कमीशन की तश्कील के हवाले से तजावीज पर गौर, चीफ सेक्रेटरी नासिर दौरानी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखला और मुतलका हुकाम की इजलास में शिरकत। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब तारिक नजीब मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात, कैप्टन रिटायर्ड इजाज अहमद को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगा दिया गया। ग्रेड 20 के खाकान बाबर, अली मुर्तजा, नबील जावेद, इफ्तखार सहू समेत 7 अफसरान का सिंध तबादला, हारून रफीक, अली बहादुर, काजी की खिदमात खैबर पख्तूनख्वा के सपुर्द, नासिर जावेद और असदुल्ला को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म, नोटिफिकेशन जारी। डीजी ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन उस्मान अनवर पर ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्जाम, उस्मान अनवर ने तशद्दुद किया, बड़ी मुश्किल से जान बचाई, ड्राइवर मोहम्मद इकबाल, दादरसी के लिए वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को खत। पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की किताब में पाकिस्तान के गलत नक्शों की इशाअत का मामला, सूबाई वजीर हायर एजुकेशन यासिर हुमायूं सरफराज का नोटिस, कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाने पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया से जवाब तलब। दफातर की वाबडा हाउस से मुंतकली नामंजूर, एनटीडीसी मुलाजमीन और पैगाम यूनियन के ओहदेदारों का एहतजाज, वाबडा हाउस के सामने धरना दिए रखा, दफातर की सरकारी जगह से डिफेंस में मुंतकली से करोड़ों का नुकसान होगा। डायरेक्टर रेलवे के रवैये के खिलाफ रेलवे आईटी डिपार्टमेंट के मुलाजमीन का एहतजाज, रेलवे वर्कर्स यूनियन के नुमाइंदे भी एहतजाज में शरीक, डायरेक्टर के खिलाफ नारेबाजी। मोटरसाइकिल चलानी है तो हेलमेट पहनना होगा, 23 सितंबर से बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने वालों को 1000 रुपए जुर्माने करने का हुक्म,
अदालत का मुहर्रम के पहले अशरे में हेलमेट पहनने से मुतालिक शहरियों में शौर उजागर करने का हुक्म। गाड़ी और मोटरसाइकिल का लाइसेंस मेरिट पर जारी करें जस्टिस अली अकबर कुरैशी। हेलमेट का इस्तेमाल कानून की पासदारी भी, जान का तहफ्फुज़ भी। हेलमेट पहनने से सर और दिमाग की चोट से महफूज रहा जा सकता है। शहरियों के लिए आगाही मुहिम शुरू। अदालत ने कानून पर अमल दरामद के लिए फ्री हैंड दे दिया। 23 सितंबर से हेलमेट के बगैर किसी मोटरसाइकिल सवार को मॉल रोड पर नहीं आने देंगे। CTO की पेशी के बाद लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। मॉल रोड और दादा दरबार के बाद हॉल रोड पर कूड़ा फेंकने वालों को भी 1000 रुपए जुर्माना होगा। सफाई के मामले पर कोई उजर काबिले कबूल नहीं। डेप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर अदालती हुक्म पर फौरी अमल करवाएं। जस्टिस अली अकबर कुरैशी के रिमार्क्स। हॉल रोड से 71 बिलबोर्ड्स उतार दिए। असिस्टेंट कमिश्नर की हाईकोर्ट में रिपोर्ट। अदालत का हॉल रोड के फुटपाथ से तमाम तजावुजात खत्म करने का हुक्म। किसी से कोई रियायत ना की जाए, फुटपाथ क्लियर किए जाएं। जस्टिस अली अकबर कुरैशी। अदालत ने सदर हॉल रोड शबीर लभा और बाबर महमूद को कल तलब कर लिया। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे में फिर तब्दीली। PC1 तैयार। ऑरेंज ट्रेन जैन मंदिर स्टॉप को MAO कॉलेज मेट्रो बस स्टॉप से मिलाने का मंसूबा। जैन मंदिर पर पेडेस्ट्रियन अंडरपास बनाया जाएगा। मंसूबे पर 1 अरब 60 करोड़ रुपए लागत आएगी। आशियाना इकबाल स्कैंडल केस। नैब ने मुलजिम फवाद हसन फवाद एहतसाब अदालत में पेश कर दिया। फवाद हसन फवाद का 18 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड और 2 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। लाहौर पार्किंग कंपनी केस। मुलजिम तासीर अहमद, कमर इस्लाम और वसीम अजमल समेत मुलजिमान के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसी। आशियाना इकबाल लाहौर पार्किंग कंपनी और साफ पानी कंपनी केस में मुकम्मल रिपोर्ट पेश न करने पर DG नैब डायरेक्टर और तफ्तीशी ऑफिसर को शो कॉज नोटिस। करबला वालों की याद में हर आंख अश्कबार। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आ गया। यौम आशूर 21 सितंबर जुमे के दिन होगा। पहले अशरे में शोहदा करबला की याद में मजालिस बरपा और जुलूस बरामद होंगे। मुहर्रम उल हराम का सिक्योरिटी प्लान मुकम्मल। 9 और 10 मुहर्रम को मखसूस इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस बंद करने का फैसला। फौज और रेंजर्स के दस्ते ड्यूटी देंगे। 10,000 से ज्यादा पुलिस सहलकार सिक्योरिटी देंगे। DIG ऑपरेशंस। DC ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम। 314 कैमरे जुलूस के रूट्स की निगरानी करेंगे। बल्दिया उस्माने 7 कब्रिस्तानों की 4 दीवारी के लिए 2 करोड़ से जायद फंड्स की मंजूरी दे दी। अदालत आलिया के हुक्म पर 7 मौजाजात से कब्रिस्तानों की वागुजार कराई गई अराजी की 4 दीवारी होगी। लीडर खुद कुर्बानी नहीं देते, कौम से कुर्बानी मांगते हैं। मसाइल हल करने में वक्त लगेगा। तब्दीली का आगाज ऊपर से होगा। रेड़ी वाले से क्या तब्दीली लाएंगे। मियां असलम इकबाल का नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट में कायद आजम की बरसी पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब। वजीर हाउसिंग और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मियां महमूद रशीद की जेर सदारत इजलास। एडिशनल DGPHA नाहिद गुल बलोच की ब्रीफिंग। सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद का कैंप जेल का दौरा। सफाई और खाने पीने की अशिया के मेयार को चेक किया।
ویمن میڈیا سینٹر کے زیر اہتمام پانچ روزہ تربیتی سیشن اختتام پذیر۔ صوبائی وزیر جنگلات محمد سبتین خان نے ابلاغیات کی طالبات میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ انٹرمیڈیٹ کے پوزیشن ہولڈرز کے ناموں کا اعلان، پنجاب کالج کی شاندار روایت برقرار، پہلی تینوں پوزیشنز اپنے نام کر لی۔ کشف ثناء اللہ کی 1100 میں سے 1062 نمبر لے کر پہلی پوزیشن، سجل طارق نے 1058 نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی، کشف علی نے 1053 نمبر لے کر تیسری پوزیشن اپنے نام کر لی۔ اور ٹیم ایشیا کپ میں بھرپور کارکردگی دکھائے گی، بیٹنگ بالنگ اور فیلڈنگ متوازن ہے، بابر اعظم ٹیم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، چیف سلیکٹر انضمام الحق کی میڈیا سے گفتگو۔